चंद्री इस जन्म का है और रोहित उस जन्म का नाम। चंद्री इस जन्म का है और रोहित उस जन्म का नाम। वो उसी में खत्म हो गया। जब रोहित टेरो तब भूल गए। मेरी तो जो बच्चा तो चलोगे। 4 साल के हुए तो मैं अपने घर वालों को बताने लगा। तो ये पिछली बात है, सुबह यादें यादें रह गई है, मो मामसा रही नहीं रहती। और ये इनके जाने से पहले ही इनके 5 हो जाए। इन बयानों को सुनकर आप अचरज में पड़ गए होंगे। ये पुनर्जन्म की वो गुत्थी है जो आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के 2 गांवों को मथ रही है। ये कहानी देखकर आपका शरीर सुन्न पड़ जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। एक बच्चा जिसने अपनी मौत के महज 57 दिन के बाद कुछ ही किलोमीटर के फासले पर फिर से जन्म ले लिया, उसके सवाल और जवाब हर किसी को हैरान परेशान कर रहे हैं। आज लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स आपको मैनपुरी की इस कहानी के एक एक राज से पर्दा उठाएगा। यहाँ विज्ञान के नियम नहीं चलते, यहाँ तर्क वितर्क बेफिजूल की बातें हैं, यहाँ विश्वास और आस्था का जोर चलता है। ये पुनर्जन्म की कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। पहले जरा इस बच्चे का नाम सुनिए। रोहित। रोहित, तुम्हारा नाम रोहित है या चंद्रवीर है? चंद्रवीर तुम्हारा नाम बताया जा रहा है। चंद्रवीर इस जन्म का है और रोहित उस जन्म का नाम है। चंद्रवीर इस जन्म का है और रोहित उस जन्म का नाम है। सुना आपने, ये 8 साल का बच्चा अपने एक नहीं 2 नाम बता रहा है, वो भी इस जन्म का और पिछले जन्म का भी। हमारी भी इच्छा हुई कि आखिर पिछले जन्म में ऐसा क्या हो गया कि उसे पुनर्जन्म लेना पड़ा। लेकिन चंद्रवीर उर्फ रोहित नाम के इस बच्चे ने इसका भी जवाब दिया। आप खुद सुनिए। अच्छा, कैसे तुम्हारी पिछले 2013 में मौत हुई थी? कैसे हुई थी, क्या याद है तुमको? मैं भैंस चुगाने गया तो भैंस नहर में घुस गई थी। भट्टा एक इधर था, उस भट्टे की सीड पे वो भमरिया ठाड़ी है दो, वहाँ पे भैंस डूब गई थी, डूब रही थी। तो मैंने जानी भैंस मर जाएगी, सो भैंस के साथ मैं चला गया भैंस को बचाने के लिए। सो भैंस तो बच गया, भैंस पता नहीं बची क्या नहीं, और मैं तो डूब गया। ये सारी बात सुनकर हर कोई हैरान परेशान, लेकिन लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ने फैसला किया कि इसकी पूरी तहकीकात सामने लाना जरूरी है। आखिर चंद्रवीर का पुराना गांव कौन सा है, वहां क्या घटना हुई? जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि चंद्रवीर की ये कहानी मैनपुरी के 2 गांवों से जुड़ी हुई है। एक है नगला सलेही गांव और दूसरा नगला अमर सिंह गांव। दोनों गांवों के बीच का फासला सिर्फ 11 किलोमीटर है। नगला अमर सिंह गांव में रहने वाले चंद्रवीर ने नदी में डूबने की जो कहानी बताई, ऐसी ही घटना नगला सलेही गांव में घट चुकी है। यहां प्रमोद सिंह के यहां 13 साल के रोहित की मौत कुछ इसी प्रकार हुई थी जैसा 8 साल का चंद्रवीर बता रहा है। क्या घटना आपके साथ हुई थी? मेरे पास साथ ये हुई थी कि मेरा बेटा भैंस चुगाने गया था, सो उसको ऐसा हुआ कि वो मतलब भैंस घुस गई नारे में, और भैंस घुसने के बाद में फिर वो भैंस के ही साथ घुस गया। अब वो न मालूम गोड़ों में दब गया, न मालूम क्या हुआ, वो उसी में ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद में भाई फिर हम लोगों को मालूम पड़ी, मालूम हमारी भतीजी थी वो भाग के आई, माने बताई आए कि फिर मतलब सब गांव के आन गांव के सभी लोग भागे, सारी कूट नाई करी, पर वो मिला नहीं। वो सवेरे के करीबन 10-11 बजे ये गांव की सूद पे स्कूल है, बाकी सूद पे नहर में उछरा हुआ मिला। यानी चंद्रवीर पुनर्जन्म को लेकर जो बातें बता रहा है, ठीक वैसी ही कहानी प्रमोद सिंह अपने बेटे को लेकर बता रहे हैं।
मैनपुरी जिले के नगला सलेही गांव में रहने वाले प्रमोद सिंह ने बताया कि साल 2000 में उनके घर जन्मे रोहित की 2013 में मौत हो गई थी। रोहित की मौत का जो कारण चंद्रवीर ने बताया है, वही कारण उसके पूर्व पिता यानी रोहित के पिता प्रमोद सिंह ने भी बताया है। यही नहीं, रोहित की मौत 4 मई 2013 को हुई, जबकि ठीक 57 दिन बाद 30 जून 2013 को चंद्रवीर का जन्म हुआ। वो भी 11 किलोमीटर दूर नगला अमर सिंह में रहने वाले राम नरेश शंखवार के घर। अब सवाल ये है कि अगर चंद्रवीर को अपने पुनर्जन्म अर्थात रोहित की बातें याद है, तो क्या उसे रोहित के जीवन की सारी बातें याद है? क्या उसे अपने पुराने माँ बाप, घर, दोस्त, स्कूल याद है? हमारी दिलचस्पी इस बात को लेकर भी थी कि आखिर उसने 8 साल इंतजार क्यों किया? क्या वो बचपन से ही अपने पुनर्जन्म की बातें बताता था? चंद्रवीर और उसके घर वालों से जब पूछा तो पता चला कि वो बचपन से ही अजीबोगरीब बातें करता था। ये बताता था कि पिछले जन्म में क्या था, कैसे मौत हुई। राम नरेश जी, आपका जो बेटा है चंद्रवीर, जो ये दावा कर रहा है कि वो पिछले जन्म का रोहित है, कब आपको मालूम पड़ा, कब इसने इस तरीके पुनर्जन्म की बातें शुरू की? 3 साल को हो गया तब मैंने बताया, वो चालू कर दी। कैसे तुम्हें ये सब चीजें याद आई, कैसे, क्या लगता है तुम्हें कि तुम पिछले जन्म की जानकारी है तुम्हें? मैं जब छोटे थे, ऐसे 2-4 साल के हुए, तो मैं अपने घर वालों को बताने लगा, तो घर वाले डांटते थे, वो आने नहीं देते थे यहाँ पे, तो फिर मेरा भाई है वो मारते थे। चंद्रवीर की माँ रक्षा देवी ने ये भी खुलासा किया कि जब 2 साल की उम्र से चंद्रवीर ने बोलना शुरू किया, तब से ही वो खुद को रोहित बताता रहा है। उन्होंने बताया कि जब कोई उसे चंद्रवीर बुलाता था तो वो कोई उत्तर नहीं देता था, लेकिन जैसे ही कोई रोहित बुलाता था तो झट से उत्तर देता था। चंद्रवीर कहे जाने पर किसी की सुनता तक नहीं था, स्कूल में भी अपना नाम रोहित ही बताता था। आपका चंद्रवीर रोहित अपना बता रहा है, कैसे, क्या लगता है आपको, कैसे आपको जानकारी मिली इसकी? ये 2 साल से बोलने शुरू हुए तभी से बताते, नाव से टेरते तो बोलते नहीं है, जब रोहित टेरो तब बोलते। कुछ दिन स्कूल में भी इन्हें रोहित नाम चलाया, फिर हमने आधार कार्ड पे और वैसे चलवाया, वो ही नाम चला रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर चंद्रवीर अपने पुनर्जन्म के माँ बाप से कैसे मिला, कैसे चंद्रवीर के माँ बाप की मुलाकात उसके पिछले जन्म वाले रोहित के माँ बाप से हुई, ये भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल चंद्रवीर के माँ बाप गांव से थोड़ी दूर एक नाई की दुकान पर पहुंचे, वहां चंद्रवीर के पिता को बाल कटवाने थे, और संयोग से वो दुकान चंद्रवीर के पूर्व जन्म के पिता यानी रोहित के पिता का था। फिर क्या था, बाल कटिंग करते करते ये कहानी चल पड़ी, प्रमोद ने अपने पुत्र रोहित के डूबने की कहानी बताई, तो चंद्रवीर के माँ बाप हैरान रह गए, क्योंकि यही वो कहानी थी जिसे चंद्रवीर बचपन से बता रहा था। फिर क्या था, चंद्रवीर के माँ बाप ने कहा कि आपका बेटा रोहित मरने के बाद मेरे घर जन्म ले चुका है। इनके यहाँ मैंने कटिंग करवाई पड़रे पे, तब इन्होंने कही हमारा बच्चा मर गया ऐसे करके, तब मैंने कही तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, तब तुमने हमें पहले क्यों ना बताई? मैंने बताई का हम छिपाए रहे बात को। इसके माँ बाप ऊँचा गए तो मेरी दुकान रखी हुई है उस पर उन्होंने बाल कटवाए, बाप ने बाल कटवाए, उसकी माँ ने चर्चा शुरू कर दी कि लला हम बहुत दुखी है, हमारी काय से कि तुम्हारा लड़का बहुत दुखी करते है, हमारी कैसे कि ऐसे ऐसे बात है कि घर के लिए तुम्हारी के लिए बाजत रहते हो, मैंने कहा भाभी हमारा लड़का है कहाँ, तो कहे कल आ जाओ तुम, हमने मैं क्या करेंगे भाभी, मेरी तो जो वस्तु अति वो चली गई। कैसे आप लोग यहाँ आ गए, किस तरीके से बच्चे ने क्या कहा आप लोगों से?
वे कैद तो और से ही, लेकिन हम लोग लेके ना आए उन्हें और ना हमने बताई। जब हम परसों बाजार को गए थे तब जानकारी हुई थी सड़क पर, तो वे इनके पापा रोने लगे कि मारो बच्चे नहर में डूब गया, तो हमने हमारे घर है सो देखे। चंद्रवीर के इस पुनर्जन्म की कहानी में सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। चंद्रवीर के इस जन्म के माँ बाप की चंद्रवीर के पुनर्जन्म के माँ बाप के साथ मुलाकात हो चुकी थी। रोहित की मौत की कहानी वैसी ही थी जैसा चंद्रवीर अपने माँ बाप को बताता आ रहा था। अब दोनों परिवारों ने तय किया कि अगर मासूम चंद्रवीर की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर वे इसकी पड़ताल करेंगे। परिवार ने तय किया कि बाल कटिंग कराने के बहाने चंद्रवीर को अपने पूर्व जन्म के पिता के सामने खड़ा कर देंगे। इसके बाद पता चलेगा कि आखिर चंद्रवीर उर्फ रोहित अपने पूर्व जन्म के पिता को पहचान पाता है या नहीं। रोहित के पुनर्जन्म का दावा करने वाले चंद्रवीर जैसे ही नगला सलेही उसके गांव पहुंचा, यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। भीड़ के सामने ही चंद्रवीर की असली परीक्षा होनी थी। लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई थी कि आखिर खुद को रोहित का पुनर्जन्म कहे जाने वाले चंद्रवीर किसी को पहचान पाता है या नहीं। चंद्रवीर एक ऐसे गांव में पहुंचा था जहां कभी उसके माता पिता भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस परीक्षा में भी चंद्रवीर पास हो गया और सबको पहचान कर ये साबित कर दिया कि वो जो कह रहा है वो 16 आने सच है, यानी वह रोहित के पुनर्जन्म के रूप में आया है। उसने बारी बारी से अपने पिछले जन्म के माता पिता के साथ बहन और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक सुभाष चंद्र यादव को ना केवल पहचान लिया बल्कि सभी का सम्मान पूर्वक पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। फिर इन्हें को हम लोग घर पे जे इन्हें बुलाए के आए हूँ, तो जे हमारे घर पे गए तो हमने कहा बच्चा की कटिंग है, वे खिलाएँ बच्ची कटिंग करके आई हूँ। तब जे गए वहाँ पे घर पे तो इन्हें कटिंग करी और जे इनके जाने से पहले ही इनके पाँच छोए लाए। हाँ पाँच तो मतलब इनको पहचान लिया उसने पहचान। और किन किन को पहचाना? अपने माँ बाप को, बहन को, सबको पहचान लिया। हम ऐसे पीट करे बैठे थे, माने किसी को न पूछी न बताई और तुरंत उसने पैर छू लिए। मैंने कोए पाँव कैसे छुए थे कि मैं तुम्हारा लड़का है। मैंने कि लड़का कैसे के मैंने कि लड़का तो इनको है। अरे क्या भाई तुम्हारा अगले जन्म में तुम्हें आते। सुना आपने, 8 साल के चंद्रवीर को भले ही पहली बार किसी अनजान शख्स के सामने खड़ा कर दिया गया, लेकिन चंद्रवीर ने अपने पुनर्जन्म के पिता को पहचान लिया और उसे प्रणाम किया। ये मेरे पिता थे, ये गए थे मेरे घर पे, मैंने उनको पहचान लिया। फिर वो यहाँ पे लेके आए अपने घर पे, तो मैंने आके यहाँ पे एक आध दो लोगों को पहचान लिया। परिवार के किस किस लोगों को तुमने पहचान लिया? ये सुनील को, उषा मम्मी है और प्रमोद पापा हैं, और अपने बहन को और सुभाष मास साहब को। पिछली जो याद बात है सो बता रहा है। क्या कह रहे हैं? ये हम ऐसे ऐसे हमने सबने पूछी ये अबे लोग कहाँ रहे, कहाँ चले गए थे, ये ऐसे ऐसे हम भैंस नहर पे ले गए थे, भैंस नहर में घुस गई उसी साथ में चले गए। और जैसे आया तैसा हमारे पांच गिरा था, गिरा पाँच हुए, मतलब मम्मी कही मम्मी रोना, अब हम आते जाते रहेंगे। फिर जिन्हें जानते उतने पहचाना, नहीं जानते नहीं पहचाना। किस किस को पहचान लिया घर में उसने? अपने बाप पहचान लिया, हमको पहचान लिया, बहनों पहचान लिया और पड़ोस में जो लड़का है अखिलेश उन्हें पहचान लिया। चंद्रवीर ने वो सारी घटनाएं बताई जो रोहित के साथ घटती थी, जो चंद्रवीर के जीवन में कभी नहीं हुई। इतना ही नहीं, क्रॉस चेक करने के लिए चंद्रवीर को जब उस स्कूल में ले जाया गया जहां रोहित की पढ़ाई हुई थी, तो वह स्कूल पहुंचते ही उस कक्षा में पहुंच गया जहां रोहित बैठा करता था। ये देख वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था?
सुहास मास्टर। क्या पढ़ाते थे आपको? गणित और हिंदी। अच्छा, आपने उनको पहचान लिया? हाँ। कैसे पहचान लिया? वो गली में से निकल के जा रहे थे, पहचान लिया। अच्छा, आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें, अभी इस जन्म में? इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? आज हुई है आपकी मुलाकात। यानी चंद्रवीर पुनर्जन्म की जो बातें बता रहा था वो शत प्रतिशत सच साबित हो चुकी थी। रोहित के माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे रोहित की मौत हो चुकी है। रोहित ने भले ही चंद्रवीर के रूप में जन्म लिया है, लेकिन इस जन्म में उसके माता पिता कोई और हैं। इनका बच्चा है और ये इनकी आत्मा चाहे तो मेरे ध्यान तक भेजे और न चाहे तो मत भेजे। मेरी कोई जबरदस्ती तो है नहीं, मेरी तो जो बच्चा तो चलो गो नहीं। फिर भी मान लीजिए मतलब बच्चे ने ये दावा किया है। हाँ। तो आपको अब खुशी है? खुशी है कि आपके बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, खुशी तो है भाई। खुशी ना होती तो मैं जाते क्यों? इन्होंने बताई तो कि हमको खुशी ना होती तो मैं जाते क्यों? तो पिछली बात है, सुबह याद रह गई है, मुँह मामता तो रही नहीं करती। चंद्रवीर को भले ही अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो अपने पिछले जन्म के गांव में नहीं रहना चाहता। उसे बार बार नहर में डूबने की घटना याद आती है। ये इनको जब सोता है तो मेरे घर पे आके मिलने, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम आते जाते रहोगे यहाँ, अपने पुराने माता पिता से मिलते रहोगे? हाँ। चंद्रवीर और रोहित के पुनर्जन्म की ये सच्चाई निश्चित रूप से विज्ञान के निर्धारित नियम और मान्यताओं से भिन्न है। यहाँ विज्ञान कुछ भी तय करे, लेकिन रोहित और चंद्रवीर की माँ और पिता के हृदय ने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जन्म का चंद्रवीर ही उनका गुजरा हुआ बेटा रोहित है। भले ही समय का अंतराल कुछ भी हो, भले ही परिवार और गांव अलग अलग हों, लेकिन चंद्रवीर आज दोनों परिवार की संतान के रूप में मान्यता पा चुका है। तभी तो कहा जाता है जहां विज्ञान की सत्ता खत्म होती है वहीं से अध्यात्म की सीमा शुरू होती है।